नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। हम लोग आज बीकॉम सेकेंड ईयर का जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर है, ये इंपॉर्टेंट पेपर है, 2015 का पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये 2015 का कैसा पेपर आया हुआ था। देखिए, 2015 से पहले 2014 में ही जो है फॉर्मेट चेंज हुआ था डॉक्टर राम मनोहर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो उसके स्टार्टिंग का ये पेपर था, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें ये जरूर देखना होता है कि कितने नंबर की थ्योरी और कितने नंबर का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये पहले बीकॉम फर्स्ट ईयर में था और इस टाइम में बीकॉम सेकेंड ईयर में है, ठीक है। तो ये सिलेबस बदल गया है, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का होता है, 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो एक एक पार्ट हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले आपके सामने जो है सेक्शन ए खोलेंगे, और सेक्शन ए 50 वर्ड में आपको करना है, ठीक है। 50 वर्ड में आपको करना है ये पेपर। तो देखिए आप इसका पहला, देखिए शुरुआत हो जाती है और एक एक क्वेश्चन को आप खुद दिमाग में देखते जाएगा कि क्या आप लगा पाएंगे, कर पाएंगे इसको, नहीं कर पाएंगे। व्हाट आर ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट, फिर इंक्लूडेड द वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड रूल ऑफ रिकॉर्डिंग, एक्सप्लेन द टर्म्स अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन जर्नल एंड लेजर, what is the provision for bad debts, define outstanding expenses, explain prepaid expenses, write short note on inter branch transaction, different between hire purchase sale and credit sale, aur ye dekhiye jo last mein hai, what is partnership deed, aur ab dekhiye isko aap hindi mein niche likha hua hai, ab ek bar dekh lijiye isko pure question ko, sare diye gaye hain ek taraf se, ye question dekhte jayenge, aur jab section b shuru hota hai, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन के साथ उसका आर लगा के भी क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो मेरा है, मतलब सेक्शन बी का जो क्वेश्चन पहला है, जो सेकंड शुरुआत हो रही है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट, ठीक है। व्हेन आर द प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी। अब ये क्वेश्चन है, इनमें दोनों थ्योरी है, फाइनल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड थ्योरी है। तो देखिए अंतिम खातों से आप क्या समझते हैं, ये कब तैयार किए जाते हैं, ये पूछा गया है। और इसके बाद में इसके आगे जो क्वेश्चन जाएंगे, तो तलपट सुस्तता का अंतिम साक्ष्य है, बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो रह जाती हैं, इसको देखेंगे। फिर जब 3 नंबर में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फैशन गुप्ता। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अभी 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको लगाइए, अगर नहीं लगा पाना तो मुझे बताना, करवा देंगे इसको। और ये फाइनल अकाउंट का ही है, और देखिए एक सेकंड इसको आपको हम पूरा दिखाते हैं, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको देख लीजिए, लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं। अब देखिए ये कुल मिला के इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अब ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में 10 मिलेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा ना प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, इसके आर में ट्रायल बैलेंस दिया, देखो 2 नंबर में भी फाइनल अकाउंट, उसके आर में ट्रायल बैलेंस थ्योरी, और फिर 3 नंबर में भी जो है न्यूमेरिकल फाइनल अकाउंट, फिर आर में ट्रायल बैलेंस की थ्योरी, मतलब न्यूमेरिकल। देखिए अबे ट्रायल बैलेंस बनाना है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डेब्टर्स है, और कैश है, बैंक क्रेडिटर्स, सेल्स, सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, ये सब दिया गया है। अब ये आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन जो अभी आप इंग्लिश में देखें, ये आपका इससे बेस पे जो ये सामने है आपको दिख रहा है, ये इसके बेस पे आपको बनाना है, इनमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस, आप इसको बना लें, या आप इसके नीचे जो दिया गया हिंदी में उसके बेस पे आप जो है यहाँ पे तैयार कर लेंगे जो है ट्रायल बैलेंस, ठीक। ये आपके सामने दिख रहा है, दिखाई दे रहा है पूरा। अब देखिए ये पूरा बना हुआ है, और इस तरीके से 3 नंबर। अब देखिए 4 नंबर जब जाएंगे, अब देखो 3 नंबर में अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे, आपका छूट जाएगा। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गिव 4 एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, देखो तुम्हें याद क्या करना है, कैपिटल नेचर आइटम और रेवेन्यू नेचर आइटम, तुम्हें दोनों के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता जरूर है, इसका ये क्वेश्चन मिलेगा आपके जरूर पेपर में। तो 4 नंबर जो है ये थ्योरी है पूरी। फिर इसके आगे जब जाएंगे देखिए आप, ये आपके सामने
थ्योरी वही हिंदी में लिखा है। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बैलेंस शीट। देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का या तो थ्योरी पूछी जा रही है या इसका फॉर्मेट अब पूछा जाने लगा है। फिर व्हाट इज मीन बाय प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स, ये प्रोविंस जो है बताना है आपको, इंसॉल्वेंसी जो है अकाउंट से रिलेटेड ये थ्योरी है जो है प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स, तो ये दोनों के बारे में बताना है आपको, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, और इसी का हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट इज फॉरेन ब्रांच, ठीक है, व्हाट आर द मेन रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग फॉरेन ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू हेड ऑफिस करेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच अकाउंट्स, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग ब्रांच अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे देखो, ये दोनों जो क्वेश्चन पूछे ना, ये दोनों ब्रांच अकाउंट की थ्योरी है। अब देखो छह नंबर था, अब इस तरीके से सेक्शन बी हमारा हो गया कंप्लीट, सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब सेक्शन बी के बाद आता है सेक्शन सी, सेक्शन सी में कुल मिला के दो क्वेश्चन करने हैं। अब सेक्शन बी में देखो फर्स्ट कौन सा रहा था, एक क्वेश्चन जो था वो आपका, उसमें अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तीन नंबर में तो आपका छूट जाएगा, बाकी थ्योरी के भरोसे अगर आप गए तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन सी में जब जाएंगे तो लेखांकन की परंपराएं और अवधारणाएं लेखांकन सिद्धांतों का आधार है, इन कथन के संदर्भ में विभिन्न परंपराएं और अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, यानी कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना है, ये बेसिक थ्योरी है और इसको आप बताएंगे, तो ये हो गया। फिर अगला देखिए एट नंबर आप देखो, ये पार्टनरशिप का पार्ट है, व्हाट इज गुडविल, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसको आप थ्योरी में मत मान के चलिएगा, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, क्योंकि मेथड्स वही एक्सप्लेन कर पाएगा जो न्यूमेरिकल जानता हो। देखो व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ लेजी एंड लेजर इन कनेक्शन विद रॉयल्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का है, ये इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 का जो एग्जाम होगा, मतलब 22 का, उसमें आएगा। अब देखो 10 नंबर इसका जो ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जो हायर परचेस का है, लिखा है ऑन 1st जनवरी 2007 5 कार वेयर परचेज बाय बेनस ट्रांसपोर्ट। ये आप जाएंगे अब इसका देख लीजिए आप, ये न्यूमेरिकल हायर परचेस का है, लगाइएगा, नहीं लगेगा तो बताना मुझे, और ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में, ध्यान से देखिएगा बुक, तो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये आप देखते जाएंगे, तो देख लीजिए। और लास्ट में अब देखिए ये 11 नंबर है, अब ये भी जो है देख रहे हैं आप, अब ये देखिए आप क्वेश्चन, ये आपका जो है ब्रांच अकाउंट का है, और ब्रांच अकाउंट का जो है ये ब्रांच अकाउंट में भी जो है होलसेल ब्रांच का है, और इस बार होलसेल ब्रांच जो 22 के पेपर में आने के पूरे चांस बनते हैं, इसको देख लीजिएगा, और ये भी एग्जाम्पल है आपकी बुक का, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है अब, और ये आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2015 का पेपर था आपके सामने, और ऐसे ही पेपर आपको और भी देते रहेंगे, 10 साल के पेपर आपको देंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।